जी भाई, कैसे आप सब? आज की जो जो वीडियो है वो है आज की, वो क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट से रिलेटेड है। जैसे आपको सबको पता है जो भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, खासकर वो PSL जो पाकिस्तान सुपर क्रिकेट लीग, सुपर लीग को फैन करने वाले क्रिकेट फैंस हैं, उनको पता होगा कि जैसे जेम फॉकनर ने लास्ट वो वापस आ रहा है लीग छोड़कर जिस सीज़न, तो उसका असल हुआ क्या, उसका कारण क्या है लीग छोड़कर वापस आने का कारण। जो जो जेम्स फॉकनर कह रहा है, वो कह रहा है कि PCB ने, जो PSPCL वगैरह, उसने मेरा 70% जो है ना इनिशियल जो पेमेंट था 70% वो पे नहीं किया है, जबकि वो PCB कह रहा है हमने पे कर दिया है। हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो 70% जो पेमेंट होता है ना, जो आपके टोटल कॉन्ट्रैक्ट का वो होता है, जैसे आप सीजन स्टार्ट होने से पहले, जब गेम मैच शुरू होने से पहले आपको 70% वो पे कर दिया जाता है, कोई भी प्लेयर्स हो लीग की तरफ से, जिस भी टीम की तरफ से वो खेल रहा होगा, तो उसको 70% वो बोला मुझे मिला नहीं है। PCB ने बोला या हमने पे कर दिया है। PCB का वो, उन्होंने एक वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उन्होंने बोला कि हमने इसके जो नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट था जेम्स फॉकनर का, जो कि उसके मैनेजर ने, जेम्स फॉकनर के मैनेजर ने दिया था, हमने उसमें वो डिपॉजिट कर दिए थे, वो जो भी वो बैंक था, यूके का बैंक अकाउंट था, यूके की किसी बैंक का अकाउंट नंबर था। तो वो बोल रहे हैं हमें मिल गया, हमने पे कर दिए हैं। तो जे रपड़ पा के बैठा है कि हमने नहीं, मुझे नहीं मिला है। तो फिर क्या किया PCB ने भी, चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। PCB ने इन्वेस्टिगेट किया, वो जिस बैंक में उन्होंने डिपॉजिट किया था 70%, उन्होंने उससे कम्युनिकेट किया, बाद में उनको रिस्पॉन्स आया कि बैंक की तरफ से ये पैसे वो आप जिसके अकाउंट में हुए थे बेनिफिशरी को, उसको पैसे मिल चुके हैं। तो जेम्स फॉकनर झूठ बोल रहा है, इसका मतलब जो है जेम्स फॉकनर वो झूठ बोल रहा है। तो वो बोला कि मैं नहीं खेलूँगा, वो खेलने, हालांकि वो जो क्वेटा ग्लेडिएटर की तरफ से खेल रहा था, लेकिन उसने पिछले 2 मैचेस नहीं खेल रहे हैं, वो इसी कारण है जो उसका वो डिस्प्यूट चल रहा था PCB के साथ। लेकिन यार एक बार सोचने की बात ये भी है कि यार कोई फ्रेंचाइजी या कोई क्रिकेट जो बोर्ड है वो क्यों ऐसा करेगा, और एक बात ये है कि सिर्फ इसके साथ ही क्यों हुआ है, सभी को, बाकी किसी ने तो बोला नहीं है, बाकी सभी को पैसे मिल गए हैं, ठीक है, ये कह रहा है मुझे नहीं मिले। लेकिन कोई भी, एक बात और बता दो, कोई भी क्रिकेट लीग होती है ना या क्रिकेट बोर्ड, वो अपनी लीग को अपने डैमेज नहीं करना चाहता है रेपुटेशन, क्योंकि अगर वो किसी को पे नहीं करेगा ना तो बाद में वो प्लेयर आएंगे नहीं खेलने, तो लीग चलेंगी नहीं। इसमें प्लेयर से ज़्यादा तो वो जो होते हैं लीग, जो क्रिकेट बोर्ड है वो लॉस में होता है, ठीक है। तो ऐसा चक्कर ये है कि ये तो शरेआम है कि फॉकनर, जेम्स फॉकनर है वह झूठ बोल रहा है। हाँ चलो, PCB ने बोला ठीक है, PCB ने बोला चलो ठीक है, तुम्हें पैसे नहीं, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला वो तुम्हें जो पैसे है तुम्हारे, मैं वो बोल रहा था जेम्स फॉकनर पे, मेरे नए बैंक अकाउंट में डाल दो। PCB ने बोला ठीक है, हम तुम्हारे पैसे दे देते हैं, तुम अपने वहाँ से रिवर्स करते कर दो, हमें वापस कर दो, हम तुम्हारे नए अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन वो बोला नहीं, मुझे पैसे नहीं मिले, वो मुझे तो बहुत नहीं मुझे मिले हैं। लेकिन इसमें जो सही है कि बिल्कुल सही बात, इस क्रिस्टल क्लियर है कि जेम्स फॉकनर इज लाइंग, इज ट्राइंग टू फ्रॉड विद द PCB और PSL। और एक बात और है कि यार इसका जो, इसने बहुत मिसबिहेव किया, जैसे इसने उस दिन वो होटल में ठहरा, जिस होटल में ठहरा था वो, जिस दिन मैच नहीं खेलने गया होटल ठहरा, इसने वो क्रिकेट बैट भी तोड़ा, किसी को किसी से मारा किसी चीज़ के, इसने वो चैंडलर था होटल में वो भी डैमेज तोड़ दिया उसने, ठीक है। ओबियसली इसका जो जो बता रहा था, इसका बिहेव था बहुत ही स्टूपिड था, मिसबिहेविंग, शेमफुल बिहेवियर था इसका, ठीक है। तो हो सकता है होटल स्टाफ के खिलाफ के तरफ भी इसका जो बिहेवियर था वो भी शेमफुल होगा। तो बाद में ये क्या हुआ कि जो इसने झूमर तोड़ दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि होटल ने बोला कि भाई इसका डैमेज पे करो, वरना हम तुम्हें आने नहीं देंगे, हम तुम्हें जाने निकलने नहीं देंगे जहाँ से, वरना हम तुम्हें कार्रवाई करेंगे, हम तो जो भी लीगल कार्रवाई है। तो इसने क्या किया, इसने वो जो डैमेज था उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है। जब जे गया तो आगे बताता हूँ क्या हुआ, जब जे गया, इसको एरोगेंट देखो यार, इसका घटिया रवैया देखो, जब जे वो पाकिस्तान वो इमिग्रेशन की तरफ गया ना, जब फ्लाइट थी जब इसकी वापस ऑस्ट्रेलिया को,
इसका वो बहुत अब्यूजिव बिहेवियर था इसका इमिग्रेशन के स्टाफ की टुवर्ड्स इमिग्रेशन स्टाफ पाकिस्तान इमिग्रेशन अथॉरिटी। जब यार किसी हर किसी को टेस्ट करना होता है, कोविड टेस्ट करना होता है, उसकी तरफ भी ये सुनने में आया कि वो इसका वो गाली गलोच कर रहा था, लेकिन लेकिन हाँ चलो जे आ गया है। हाँ तो यार मैं ये कहता हूँ कि यार ऐसे घटिया खिलाड़ी को कोई भी लीग, किसी कोई भी लीग हो, किसी भी कंट्री की क्रिकेट बोर्ड की, चाहे वो श्रीलंका की लीग हो, बांग्लादेश की हो, चाहे वो कैरेबियन लीग हो, चाहे वो अफगानिस्तान की क्रिकेट लीग हो, ठीक है आईपीएल हो, आईपीएल में तो वैसे इसको लेते नहीं है, ये तो ओवररेटेड प्लेयर था, इसको इसको कोई लेते नहीं अब तो। ऐसे यार घटिया प्लेयर को लेना चाहिए यार, ये बहुत ओवररेटेड प्लेयर है ठीक है, और अंडर परफॉर्मर रहा है। इसका कैरियर देखो, क्रिकेट कैरियर खोल कर देखो, इसके स्टैट्स यार बहुत अंडर परफॉर्मर रहा है। सिर्फ इसका वो बोलना आता है इसको, वो जैसे जैसे एक बार वो कोहली को कह रहा था यू कांट हिट मी, यू कांट बीट मी, उसके कोहली ने उसको जवाब दिया था आई हैव बीटन यू इनफ इन माई लाइफ, सो वो शट अप हो गया था फॉकनर। तो लेकिन यार ये ऐसे पीएसएल यार इंडिया जो आईपीएल है ना, इंडिया क्रिकेट बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड की इंडिया की क्रिकेट लीग है जो आईपीएल, पीएसएल दूसरे नंबर पे आता है, जे पीएसएल सेकंड बेस्ट लीग है वर्ल्ड क्रिकेट जो T20 जो फ्रेंचाइज लीग में आती है। तो यार पीएसएल को भी चाहिए यार ऐसे जो चले हुए कारतूस है ना, इनको नहीं लेना चाहिए यार ठीक है। तो चलो ये तो लाइक अलग मामला था, लेकिन पीसीबी को चाहिए वो जो एमर्जिंग स्टार प्लेयर हो रहे हैं उनको पिक करे ठीक है। यार मैं तो चाहूँगा हाँ इंडिया आईपीएल आप इंडियन खिलाड़ी भी खेले पीएसएल में और आईपीएल में पाकिस्तान भी खिलाड़ी भी खेले, मैं तो ये जरूर चाहूँगा, क्योंकि यार पाकिस्तान का टैलेंट भी अमेजिंग है यार, पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग टैलेंट क्या अमेजिंग है यार। अब देखो उनके बैटिंग देखो यार, आई एम अ बिग फैन ऑफ बाबर आजम, बाबर आजम के मैं बैटिंग का बहुत फैन हूँ। उसके बाद देखो आप मोहम्मद रिजवान आ गया, क्या यार कूल आदमी है वो भी बाबर आजम की तरह। मैं तो बाबर आजम को कंपेयर करता हूँ एमएस धोनी के साथ, अगर इंडिया के पास एमएस धोनी था तो अब पाकिस्तान के पास है मोहम्मद रिजवान ठीक है। चलो बाकी यार देखते हैं क्या होता है इसके बारे में, जो स्टॉप जो डिस्प्यूट चल रहा है इसकी जो भी न्यूज़ आती है क्या होती है। मुझे लगता है अभी तो पहुँच गया होगा वो वापस अपना ऑस्ट्रेलिया आ गया होगा शायद, अगर वाया दुबई आ रहा है तो कहीं ट्रांजिट होगा। लेकिन यार इनका पता चक्कर ये क्या होता है, ये जॉन्स फॉकनर है कोई पता नहीं, इसका ड्यूल सिटीजन हो जे कहीं इंग्लैंड चला गया हो, किसी को क्या पता है ना। तो बाकी जो भी अब आई थिंक इसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो हमें जो कंक्लूजन पे आएंगे भी क्या कारण था उसको, जेम्स फॉकनर को एक्चुअल में पेमेंट नहीं मिला या फिर वो ऐसे फ्रॉड करने की कोशिश झूठ बोल रहा था। हाँ और एक बात यह है, जैसा जेम्स फॉकनर का बिहेवियर था ना, अगर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया टूर ना होता ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया ने हाँ ना बोला होता पाकिस्तान आने को, तो वो पीसीबी स्ट्रिक्ट स्टेप लेती, जैसे पाकिस्तान तो इमिग्रेशन अथॉरिटी उसके साथ भी स्टाफ के साथ भी इसने बदतमीजी की है, वो भी इसको किसी न किसी पनिशमेंट देते जरूर, इसको हो सकता है 1-2 महीने की जेल हो जाती, इसको सजा मिलती। बाकी छोड़ो यार चलो देखते हैं, मैं तो यार जब सुबह उठा था तो वो देखा ESPN पे यार, लेकिन मैं तो इसका शुरू से भी फैन नहीं हूँ। बाकी चलो देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज आता है ब्रेक सॉरी इसके बाद क्या आता है क्या होता है ठीक है, शायद आपको 8-10 घंटे में पता चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में अभी मैंने न्यूज़ नहीं सुना है, अभी तो क्रिकेट ESPN क्रिकेट इन्फो पे भी अपडेट नहीं हुआ है कुछ, तो जैसे अपडेट होगा मैं आपको फिर लाइव होऊंगा। अब ओके भाई मिलते हैं जी, ख्याल रखना अपना सब।